वेलकम इन्वेस्टर्स, वेलकम ट्रेडर्स, अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 19 अप्रैल 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम बजाज फाइनेंस के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रही है, बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट है और मैंने इन दो हाइस को कनेक्ट करके एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। 4 डेज बिफोर का ट्रेडिंग सेशन अगर हम देखेंगे तो ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ था और ये जो गैप है एक सप्लाई एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क करता हुआ हमें ये 4 डेज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। आज के भी ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके के बैंकिंग के स्टॉक गैप डाउन ओपन हुए उसी तरह बजाज फाइनेंस का भी जो स्टॉक है वो गैप डाउन ओपन हुआ। लेकिन अभी जो वक्त हुआ है 1:33 PM और यहाँ पर एक हैमर जैसा कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस कैंडल या इस प्राइस एक्शन को समझने के लिए हमें जाना होगा वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट पर देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट है और यहाँ पर देखिए इस वीकली चार्ट पे यहाँ ये जो यहाँ मैंने येलो कलर का एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया एक सपोर्ट है और आज के ट्रेडिंग सेशन में ना कि स्टॉक ने अपने सपोर्ट पे आके यहाँ पर सपोर्ट लिया बल्कि यहाँ से एक अपसाइड जर्नी हमें इस पूरे वीकली ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रही है। इसे हम एक तरह से काउंटर अटैक भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके नीचे प्राइस नहीं आया, जिस तरीके से गैप डाउन ओपन हुआ सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, 5% के आसपास का फॉल बजाज फाइनेंस में देखने को मिला लेकिन 4360 पे हमें किसी तरह का क्लोजिंग ऑन अ डेली बेसिस पे अभी तक देखने को नहीं मिला और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट वीक का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला और इस वीक के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस लगभग 4776 तक ट्रेड करता हुआ हमें नजर आएगा। अब चलते हैं हम मंथली चार्ट पे और वहां पे भी ट्रेंड को समझ लेते हैं। अगर पिछले मंथ का जो कैंडल है उसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ था और उसी के चलते इस मंथ के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक सेलिंग देखने को मिला और यहाँ पर जिस तरीके से सेलिंग देखने को मिला उसी तरह से अगर हम इस मंथली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप एक मंथली ट्रेंड लाइन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। 2 लोस को यहाँ पर अगर कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ अप्रोक्सीमेटली इस तरीके का ट्रेंड लाइन बनेगा और वीकली एंड डेली चार्ट पे अगर हम जाके देखेंगे तो लगभग ये जो स्टॉक है अपने ट्रेंड लाइन के पास में हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है उसके पास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नॉट इवन यहाँ पर जो वीकली सपोर्ट है उस सपोर्ट पे प्राइस आके अपसाइड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की ट्रेडिंग सेशन की बात अगर हम करेंगे तो 4,516 and 4,558 के जो टारगेट्स है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये था बजाज फाइनेंस का डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।